अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इमली का रसम, जो टेस्टी भी है और डाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ है। 200 ग्राम इमली को भिगो लें अच्छे से और उसका जूस निकाल लें। उसी में बारीक कटा हुआ करी पत्ता, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, एक टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक, इन सब को ऐड करके साइड में रख लें। और एक पैन में तड़के के लिए 2 टेबल स्पून तेल ऐड करें, उसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून राई, सूखी हुई लाल मिर्च उसके छोटे टुकड़े कर लें, करी पत्ता, कुचला हुआ लहसुन, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लें 2 मिनट के लिए, ज़्यादा काला ना करें। हाफ टेबल स्पून हींग, फौरन बाद अपना इमली का मिक्सचर को ऐड कर लें। अब इसमें हम घर का बनाया हुआ रसम पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। अच्छे से मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे नमक चेक कर लें, इसमें नमक कम था तो मैं ऐड कर रही हूँ। हमारे रसम पाउडर में मिर्ची पाउडर ऐड किया हुआ है, इसीलिए हम नहीं ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा रसम अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब फ्लेम को ऑफ करके गर्मा गर्म सर्व करें। इमली की जगह आप बॉईल किए हुए टमाटरों का जूस भी निकाल के बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।